जंक्शन से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2, 4, 5, यहाँ पे वोल्टेज एज्यूम कर लो भी, क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू वी बाय 4 प्लस वी बाय 5। 15 इज इक्वल टू वी बाय 4 प्लस वी बाय 5, एलसीएम आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5, 5v प्लस 4v। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 180, 9v इज इक्वल टू 300, ठीक है। v इज इक्वल टू आ जाएगा 300 बाय 9, दैट इज 100 बाय 3। और करंट थ्रू 5 ओम क्या आ जाएगा, I 5 ओम इज इक्वल टू V अपॉन मतलब 100 बाय 3 बाय 5, दैट इज 20 अपॉन 3, दैट इज 6.66 एम्पियर। बिल्कुल ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है सर? सर ऐसे यस सर करंट दिख डिवीजन रहा है। रूल से भी कर सकते हैं ना, इजी पड़ेगा। करंट डिवीजन रूल से भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सर आई की क्योंकि वैल्यू दी है करंट आर डिवाइड वन कहाँ सर, होगा, करंट जहां कहाँ आपने बी डिवाइड लिखा, होगा। हाँ, ऐसा कर जहां आपने सकते बी हो, लिखा है वहां पे। हाँ वहां आपका डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 15 × 4। 15 × 4 / 9, हाँ तो आ रहा है क्या, आ यस जाएगा, सर। ठीक है। वो से भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तीसरा लूप से भी करना है, यदि कोई चाहे तो लूप से भी कर सकते हो, ठीक है। एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जिसको जिसमें कंफर्ट हो, जिसके दिमाग में समय आ जाए वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। आर आपका हुआ है सर्किट में, ठीक है। उस सर्किट की आपको उसमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और जिसके अक्रॉस वोल्टेज वी है। सर दिख सर्किट नहीं रहा पूरा सर, नहीं सर दिख रहा, आधा बता सर्किट रहा है सर। हूं। ठीक है ठीक है, इस तरह बना देना, ये मिटा दूं। यस यस सर। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, करिए। निकल जाओ।
क्लास तो है क्लास सर। हाँ बोलो सर, जो आपने डिपेंडेंट सोर्स लिया है सर, वो वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है? आप बताओ सर। उसमें एरो बना है तो वो करंट के लिए, लेकिन वैल्यू 5 वोल्ट लिखी है। हाँ बिल्कुल सही, जो लिखा है वो सही है। अब बताओ, मतलब मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरे एंड से कोई गड़बड़ नहीं हुई है, इलेक्ट्रिक में कोई मिस्टेक या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब बताओ, अब सोचो क्या हुआ? हाँ बोलिए। 0.2 है क्या? 0.2 चेक करते हैं भाई। सही। ये क्या दिया है? डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट कौन सा? कौन सा? करंट सोर्स की वोल्टेज सोर्स? करंट सोर्स। क्यों, यहाँ तो 5 वोल्ट लिखा है। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, लेकिन है क्या ये? कुल मिला के करंट सोर्स है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जब सीरीज में कनेक्ट करंट सोर्स होंगे, ठीक है, सीरीज में करंट सोर्स होंगे, ठीक है, और वी क्या है? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, उसका 5 गुना ये करंट सोर्स है। 5 × V, मतलब V की जो भी वैल्यू होगी उसका 5 टाइम्स इस करंट सोर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि यदि 2 करंट सोर्सेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। 2 वोल्टेज सोर्स यदि पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? बोला था कि नहीं? यस सर। 2 करंट सोर्स सीरीज में हो तो और 2 वोल्टेज सोर्स पैरेलल में हो तो उनकी वैल्यू कैसी होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये करंट सोर्स और ये दोनों करंट सोर्स काय में है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में है। सीरीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिंस करंट सोर्सेस आर सीरीज, 5 वोल्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। देन V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/5, दैट इज इक्वल टू क्या? 2 वोल्ट। मतलब इस V की, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। और इसमें करंट कितना फ्लो होगा करंट सोर्स के बराबर? यस सर। करंट तो ये 10 एम्पियर का ही फ्लो होगा ना? ठीक है, क्लियर। तो 10 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। ये मत सोचना कि सर ये 10 एम्पियर है तो इसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी, है ना? इसकी वैल्यू भी देखो 10 एम्पियर ही होगी। निकाल लो, V की जगह रख दो 2। ठीक है, और हमने पढ़ा ही है कि सीरीज में यदि करंट सोर्सेस है तो उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए और रिजल्टेंट उनका उसी वैल्यू का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से करंट कितना फ्लो होगा? 10 एम्पियर। तो I कितना आ गया आपके पास? 10 एम्पियर। R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I, दैट इज 2/10, दैट इज 0.2 ओम। आया समझ में? यस सर। यस सर। सभी को? यस सर। यस सर। नोट करिए जल्दी से।
आ गया, लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। यस सर। देखिए, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय डिपेंडेंट सोर्स। एक और है ना इधर, करिए। डिपेंडेंट सोर्स कितनी पावर डिलीवर करेगा ये बताना है आपको। कुछ हुआ? समझ में आ रहा है क्या करना है? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? सर आ रही है। हाँ, समझ में आया क्या करना है? आया सॉल्यूशन?
निशा मालवीय यस सर सॉल्यूशन आया सर अभी सॉल्व कर रही हूँ करो आप ही से चाहिए सॉल्यूशन है ना ओके सर चले क्वेश्चन क्या बोला है इसमें क्या फाइंड करना है आदित्य आदित्य है घूमने चला गया यस सर क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में डिपेंडेंट सोर्स का पावर फाइंड करना है पावर पावर डिलीवर्ड बाय डिपेंडेंट सोर्स ठीक है ना yes, मतलब इस डिपेंडेंट सोर्स में से कितनी पावर जा रही है कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है वोल्टेज है कि करंट है वोल्टेज वोल्टेज सोर्स है ना मतलब यदि हम मुझे करंट की वैल्यू और मिल जाए तो वी आई से हम पता कर सकते हैं कि कितनी वे पावर यस yes? 337.5 है सर हाँ 337.5 नहीं 337.5 नहीं नहीं शायद तक तो नहीं है ना और इसमें आपको यदि यहाँ पर करंट मिल जाए तो V into I से हम पावर निकाल सकते हैं अब आपको करंट कैसे मिलेगी लूप इक्वेशन बना दो सारे हैं ठीक है लूप कर लूप इक्वेशन बना लो करंट आई एज्यूम कर लो ठीक है क्या आ जाएगा माइनस 30 यहां से ये प्लस माइनस ठीक है ये प्लस माइनस गिवन है आप इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते किस्मत से अभी ये बात है कि हमारा प्लस माइनस और इनका प्लस माइनस सेम डायरेक्शन में आया लेकिन यदि आप करंट की डायरेक्शन अपोजिट दी हुई हो अपोजिट एज्यूम करते तो इस जो गिवन प्लस माइनस पोलैरिटी है आप उसको चेंज नहीं करेंगे ठीक है वो गिवन है आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखें ठीक है तो यहां से गया तो माइनस 30 वोल्ट फिर प्लस 1 into I या केवल I फिर प्लस 3 Vx क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को अपने एक वोल्टेज की तरह ही कंसिडर करेंगे ठीक फिर प्लस 1/2 into I या 0.5 I फिर इधर 3 into I प्लस 3 I इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 I प्लस I 4 I 4.5 I ठीक है 4.5 I इज इक्वल टू ये 30 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया ये 3 Vx उधर गया तो माइनस नेगेटिव Vx हो गया नाउ इस 4.5 को हमने डेसिमल में उसमें कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 45/10 मतलब 9/2 ठीक है देन I इज इक्वल टू 2/9 30 minus
3vx. क्या यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर. सिर्फ मैंने केसीएल लगाया है, ओ सॉरी केवीएल लगाया है. ठीक है, जैसा लगाते हैं वैसा ही इस वोल्टेज सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स की तरह ही कंसिडर किया है. अब प्रॉब्लम यहां आ रही है कि यहां आई की वैल्यू पता करनी है और वीएक्स भी हमें नहीं पता है. वीएक्स भी हमें नहीं पता है, दो अननोन हो गए. तो इसके लिए क्या करें? वीएक्स हम पता कर सकते हैं. कैसे? वीएक्स आपको फिगर में दिया है. क्या है? वीएक्स इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, 1/2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको क्या बोला जा रहा है? वो क्या है? वीएक्स. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? यस सर. इस 1/2 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा? आई करंट फ्लो होगा. हाँ या ना? Yes, sir. होगा ना. तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 आई. वी इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, क्लियर? यस सर. आई की वैल्यू यहां से पुट कर दो, क्या आ गया? 1/2 इंटू 2/9 30 माइनस 3 वी एक्स. 2 से 2 कैंसल. ठीक है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया. तो 9 वी एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 3 वी एक्स. ठीक है, कोई परेशानी? कोई परेशानी है यहां तक? नो सर. नो सर. पक्का? यस सर. यस सर.